श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश नवा अध्याय ज्योतिष चक्र और शिशुमार चक्र। पिछले अध्याय में हमने सूर्य नक्षत्र आदि राशियों एवं काल चक्र की व्यवस्था के विषय में सुना। अब आगे श्री पराशर जी ने कहा, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित हैं। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र और अन्य अन्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रह गण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्च स्थान में स्थित प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित हैं। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में वर्षा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे जल का पोषण करता है, उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्री, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बसने लगता है। हे मुनि, भगवान सूर्यदेव नदी समुद्र पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल वरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा वर्षाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहने पर वर्षता है, उसे दिग्गजों द्वारा वर्षाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। समसंख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य वर्षाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा ग्रहण करके ही वर्षाया जाता है। हे महामुनि, आकाश गंगा के ये दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा वर्षाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले प्रजावर्ग के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषगण नित्य प्रति यथाविद यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम,
सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण हैं। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश नवाध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।